गांव में घुसे हाथी। हाथियों ने मचाया तांडव। गांव वाले परेशान। तस्वीरें हैं ओडिशा के मयूरभंज की, जहां पश्चिम बंगाल से सटी सीमा से करीब 120 हाथी रसगोविंदपुर फॉरेस्ट रेंज के गांव में प्रवेश कर गए। तीन चार झुंडों में घूम रहे इन हाथियों ने न सिर्फ बड़ी तादाद में फसल को खराब किया, बल्कि कई लोगों के घरों को भी तोड़ डाला। झारखंड से 120 हाथी मयूरभंज में घुसे हैं, जिसमें कि गरीब लोगों का खेती बाड़ी सब उजाड़ रहा है, घर भी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें तीन आदमी लगा के 120 एलिफेंट को खदेड़ना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, और उनके पास उतना एक्टिव भी नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर ऑफिस में बैठ के मोबाइल में कंट्रोल करते हैं, और छोटा कर्मचारी को भेज देते हैं, जाओ और तुम वहाँ खदड़ो, लेकिन ये संभव नहीं है। इसमें बहुत खेती पहुँच रहा है, जिसमें कि गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो यही है अभी हालत, जिसमें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे करने से कैसे होगा। आदमी से पूछना पड़ेगा, लेकिन वो लोग आदमी से सलाह सुथरा नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हाथियों के इस तांडव से नाराज गांव वालों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन मयूरभंज में हाथियों द्वारा मचाया जा रहा ये तांडव कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार हाथियों के झुंड यहां तांडव मचा चुके हैं। लेकिन हर बार प्रशासन की ढीली प्रतिक्रिया की वजह से ही गांव वालों को नुकसान सहना पड़ता है। कुछ ही दिनों पहले फुलाझारी और ब्राह्मणी गांव में भी हाथियों ने तांडव मचाया था। इस तांडव में हर बार की तरह हाथियों ने न सिर्फ फसल और घरों को नुकसान पहुंचाया था, बल्कि एक आदमी को जख्मी भी कर दिया था। लेकिन बार बार हाथियों द्वारा मचाए जा रहे इस तांडव से प्रशासन को शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी हर बार की तरह ढीली प्रतिक्रिया की वजह से ग्रामीणों को ही नुकसान झेलना पड़ता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।